हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रेशमास टेस्टी फूड चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं ओवन में बेक करके ब्रेड कुलचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम जालीदार ऐसे एक कुलचे बनके तैयार है। यहाँ पर मैंने 250 ml का सेट यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने 80 ml इतना दूध लिया है। उसमें मैंने 2 TSP इतनी चीनी डाली है, 1 TSP इतना इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट डाला है, 1/4 TSP इतना नमक। अगर आपने मेरी पाव की रेसिपी नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उस रेसिपी में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ईस्ट के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट डाला है और इसी से ब्रेड पाव की रेसिपीज यानी कि ब्रेड, पिज्ज़ा, टोस्ट बहुत ही परफेक्ट जालीदार बनते हैं। ईस्ट डालने के बाद आपको इसे 3 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही घुमाना है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप इतना मैदा। मैदा स्ट्रेन करके लेंगे और उसे 2 से 3 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा डाला है और बाद में मैंने आधा डाला है। अब बचा हुआ थोड़ा थोड़ा दूध भी हम इसमें डालेंगे। अब इसे हम लेते हैं काउंटर पर। तो ब्रेड की किसी भी रेसिपी को इसी तरह आटे को गूंदा जाता है और 10 मिनट हमें ऐसे ही गूंदना है। बचा हुआ जो 1 चम्मच इतना दूध है वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। यहाँ पर हमने तेल डाला है 4 TSP इतना। मिक्स करते वक्त भी हमने 2 TSP इतना तेल डाला था और बचा हुआ अब हमने डाला है। तो इस तरह से आटा हमारा परफेक्ट गूंदना चाहिए। और अगर आप इस आटे को इस तरह से खींचते हो तो वो इतना पतला होना चाहिए, उसे फटना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं विंडो टेस्ट। ब्रेड की कोई भी रेसिपी हो, फिर ओलादी पाव हो, ब्रेड के कुलचे हो, पिज्ज़ा हो, टोस्ट हो, उसका आटा गूंदते वक्त आपको कंटिन्यूसली 10 मिनट तक आटा गूंदना है और फिर इस तरह से विंडो टेस्ट करनी है। अगर आपका इस तरह से आटा गूंदने के बाद विंडो टेस्ट बनती है तो आपका आटा परफेक्ट गूंदा हुआ है। अगर आटा अब अच्छे से गूंदेंगे नहीं तो उसमें अच्छे से जालियाँ नहीं आएगी, वो अच्छे से फूलेगा नहीं और ईस्ट की एक बदबू भी आएगी। अब आटे को हमें रखना है फूलने के लिए, तो इसे अच्छे से हमें मोल्ड करना होता है और जो बाजू में नीचे इस तरह से पिंच करना होता है ताकि आटा फूलते वक्त फटे ना। और उसे ऐसे में अगर हम ओवन में रखते हैं तो वो बेक होते वक्त भी फूट सकता है। तो यहाँ पर बाउल को मैंने तेल लगा दिया है, ऊपर से भी तेल लगाकर इसे ढक दिया है। अब इसे गर्म जगह रखेंगे 2 घंटे। तो ब्रेड कुलचा अगर हम ठंडी में बना रहे हैं या फिर ब्रेड की कोई भी रेसिपी अगर हम ठंडी में बना रहे हैं तो आप इसे थोड़ी सी गर्म जगह पर किचन में रख सकते हो। हल्की सी धूप जहाँ पर हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हो, या फिर आप ओवन को गर्म करके, ओवन को बंद करके फिर ओवन के बाजू में भी इसे रख सकते हो। ऐसे करने से आपका जो आटा है वो जल्दी से फूल जाएगा। आटा फूलने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। जब आटा आपका डबल हो जाए तब आपको उसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हमारा आटा डबल हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। सेम ब्रेड कुलचे के लिए हमेशा आटे को 40 ग्राम इतना ही वेट करके लेते हैं। ये जो आटा है यहाँ पर ये 250 ग्राम का है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसके 6 इक्वल पार्ट किए हैं। बचे हुए आटे से भी मैंने एक रेसिपी बनाई है और उसका शॉर्ट मैं कल अपलोड करने वाली हूँ। अगर ब्रेड की कोई भी रेसिपी आपसे एक्स्ट्रा बनती है तो उसे आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, उस शॉर्ट में मैंने दिखाया है। तो गोलों को इस तरह से लेके हमें तेल लगाकर टिन में उसे प्रेस करना है। तो ये 4 कुलचे ही मेरे ओवन में अच्छे से बेक हो सकते हैं। बाकी आटे का मैंने एक डिज़र्ट बनाया है, इसे एक के ऊपर एक रख कर हम ढक कर रख देंगे फिर से गर्म जगह के लिए जब तक ये डबल नहीं हो जाते। अब यहाँ पर ये डबल हो चुके हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे क्योंकि ऊपर की परत जो होती है वो सूख चुकी है। आप यहाँ पर दूध भी लगा सकते हो लेकिन कुलचे है इसलिए यहाँ पर मैंने पानी लगा है। ऊपर से कटा हुआ धनिया डाला है और 1 पिंच इतनी यहाँ पर मैंने कलौंजी भी हर कुलचे के ऊपर डाली है। किराना शॉप में आपको कलौंजी मिल जाएगी। ओवन का टेम्परेचर, तो ब्रेड कुलचा बनाने के लिए आपको सिर्फ 8 मिनट तक ही ब्रेड कुलचे को ओवन में रखना होता है। ओवन का टेम्परेचर अगर आपका 29 लीटर या फिर 30 लीटर से ज़्यादा है तो आप 180 डिग्री पर उसका टेम्परेचर रख सकते हो। दोनों रोड आपको ऑन करनी है। अगर आपके ओवन में फ़ैन का ऑप्शन है तो फ़ैन का ऑप्शन भी ऑन कर दीजिएगा। मिडल रैक पर रखना है और ब्रेड कुलचा हो या फिर कोई भी रेसिपी हो ओवन को 10 मिनट पहले प्रीहीट भी कीजिए। यहाँ पर ओवन फुल हो चुका है तो इसे 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा बेक होने के लिए।
तो ये थी ब्रेड कुलचा की रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।